अग्रवाल महिला समिति, बांके बिहारी महिला समिति एवं अग्रवाल सेवा समिति द्वारा कुर्सीपार में शिव महापुराण का वाचन करवाया जा रहा है। इसके लिए शुक्रवार को भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने माथे पर कलश लेकर नगर भ्रमण किया और इस श्रवण मास में इस पुनीत आयोजन की शुरुआत की। कहते हैं श्रावण मास में भगवान शिव की कथा सुनने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और इसी फल की प्राप्ति के लिए अग्रवाल महिला समिति, बांके बिहारी महिला समिति और अग्रवाल सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में कुर्सीपार क्षेत्र में शिव महापुराण का वाचन किया जा रहा है। वृंदावन धाम से पधारे श्री राजेंद्र जी महाराज के श्रीमुख से शिव महापुराण का वाचन होना है, जिसे श्रवण कर पूरे क्षेत्र के रहवासियों को विशेष फल की प्राप्ति होगी। कार्यक्रम का विधिवत शुभारम्भ क्षेत्र की महिलाओं ने कलश यात्रा करके किया। कलश यात्रा के संग शिव महापुराण की शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस यात्रा ने पूरे कुर्सीपार क्षेत्र का भ्रमण किया। इस यात्रा के माध्यम से क्षेत्रवासियों को यह बताया गया कि सावन के पावन महीने में शिव महापुराण का वाचन करवाया जा रहा है, जिसका लाभ उठाया जा सकता है। कार्यक्रम की संयोजिका एवं बांके बिहारी महिला समिति की अध्यक्षा ने कार्यक्रम की जानकारी मीडिया को दी और कहा कि इस तरह के आयोजन पहले भी हुए हैं, परंतु सावन के पावन महीने में शिव महापुराण का वाचन प्रथम बार करवाया जा रहा है और इसका उद्देश्य सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए पूरे क्षेत्र, प्रदेश एवं देश में सुख शांति स्थापित करना है। जो सार्वजनिक प्रोग्राम शिव पुराण प्रथम बार होने जा रहा था और बड़े सफलता के साथ हमारा आज का जो कलश यात्रा का प्रोग्राम था वो संपन्न हुआ। सभी महिलाएं जो सहयोगी थी, हमारी अग्रवाल महिला समिति, बांके बिहारी महिला समिति, अग्रवाल युवा मंच के जो सदस्यगण हैं, यहाँ के जो अध्यक्ष सचिव, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं भवन के, उन सब के सहयोग से हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और बड़ी खुशी की बात है कि आज की जो यात्रा हमारी कलश यात्रा संपन्न सफलतापूर्वक हुई है। आगे जो नौ दिन का जो कार्यक्रम है पूर्णाहुति तक, वो भी सबके सहयोग से, पूरे कुर्सीपार वासियों के सहयोग से बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न होने वाला है, ऐसी उम्मीद और जिज्ञासा के साथ हमने इस कार्यक्रम को संयोजा है और सफलता हमें अवश्य मिलेगी। पहले भी हमने ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं मगर शिव पुराण शिव महापुराण जो कथा है, परम पूज्य संत हमारे राजेंद्र जी महाराज जो वृंदावन धाम से पधारे हैं, उन्हीं के द्वारा आज तक की सारी कथाएं होती रही है और आगे भी हम इनके द्वारा ये सारी कथाओं को आयोजित करने का प्लान करते हैं। इस उम्मीद से सारे कार्यक्रम हमारे हमेशा सफल हो जाए। आज का ये जो कार्यक्रम है, सावन महीना बहुत ही पावन महीना है, इस महीने में हम अग्रवाल महिला समिति, बांके बिहारी महिला समिति, अग्रवाल सेवा समिति सभी ने मिलकर यह कार्यक्रम को संयोजा है। वृंदावन धाम से पधारे हुए संत परम पूज्य राजेंद्र जी महाराज कथा व्यास के, कथा गद्दी के पूज्य पंडित जी हैं, पूज्य महाराज श्री हैं। हम लोगों ने ये कार्यक्रम हम लोग बहुत बार करवा चुके हैं। हमारा ये जो कार्यक्रम है लगातार 2-3 साल में भव्य रूप में कार्यक्रम हम करवाते हैं और हमारे कथा व्यास जो हमेशा ही राजेंद्र जी महाराज रहे हैं और आगे भी हम इनकी बड़ी बड़ी कथाएं कराते रहेंगे, यही हमारा संकल्प रहता है। और यहाँ भव्य शोभा यात्रा हमने निकाली है, हम सब महिलाओं ने मिलकर बहुत ही सुंदर सुचारू रूप से कार्यक्रम को संयोजा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम जो भी काम करें, जो भी समाज सेवा करें या धार्मिक काम करें, अच्छे से आयोजन करते रहें, यही हमारा हमेशा संकल्प बना रहता है। और ये सब काम करने पर हमें हार्दिक बहुत खुशी मिलती है और इस खुशी के साथ हम अपना काम को। बोले बाबा विश्वनाथ भगवान की जय।
शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव। आज प्रातः कालीन की पावन बेला में सबसे पहले कल हम सभी लोगों ने मुख्य यजमान को 10 विधि स्नान करा करके देह शुद्धि, मन शुद्धि और कायिक वाचिक मानसिक शुद्धिकरण किया गया। दिव्य उनको गोबर से, गोमूत्र से, हरिद्रा से, सप्तमृतिका से, भस्म से, कुशोदक से, स्वर्णोदक से, फलोदक से, तीर्थ के जलों से स्नान कराया गया। पंचगव्य का पान कराया गया। प्रातःकालीन की बेला में श्री गौरी गणेश जी का पूजन, षोडश मातृका का पूजन, वरुण कलश का पूजन, इसके बाद चतुर्लिंग तो भद्र का पूजन, नवग्रहादि देवताओं का पूजन, सर्वतोभद्र मंडल का पूजन, गौरी तिलक मंडल का पूजन, असंख्य कोटि रुद्रगणों का पूजन, चार वेदों का पूजन किया गया। इसके उपरांत भव्य दिव्य आरती पूजन के उपरांत हम सभी लोग राधा कृष्ण मंदिर से दिव्य भव्य कलश यात्रा, शोभा यात्रा शिव महापुराण की मुख्य यजमान ने अपने मस्तक पर, शीश पर पोथी रख करके नगर का भ्रमण किया, जिसमें हजारों हजारों की संख्या में हमारे भाई लोग, माताएं, बहनें सब उपस्थित रहीं। कलश यात्रा के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अब 9 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा और सावन महीने में शिव महापुराण का श्रवण कर शिव की भक्ति में लीन होकर विशेष फलों की प्राप्ति की जा सकेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।